हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र को जाना और उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में बताए थे और क्वेश्चन भी हम बोले थे कि आप बना के सेंड करेंगे। बहुत लोग कम ही सेंड किए हैं बना के। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होता है हम यहां लिख लेते हैं। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंदर, यही होता है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा हम इसे कुछ चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने है। तो मान लेते हैं कि मूल बिंदु जो है वो कोई पॉइंट मान सकते हैं और एक ए, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू, जीरो जीरो। आप जानते हैं कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मूल बिंदु से दूरी कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स वन वाई वन, इसको क्या मान लेंगे एक्स टू वाई टू। और दूरी सूत्र आप जानते हैं, दूरी सूत्र आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर, हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू जो है आपको पुट करना है। ये एक्स वन है ना बाबू, तो एक्स वन की जगह क्या होगा जीरो, जीरो लिख देंगे। एक्स टू है तो एक्स टू की जगह एक्स है तो एक्स लिख देंगे। होल स्क्वायर प्लस ये वाई वन, वाई वन की जगह भी जीरो, जीरो लिख देंगे। माइनस वाई टू, वाई टू की जगह क्या होता है बाबू, वाई, वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यहां देख लीजिए कि ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर ये घटेगा माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि यही आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र बताएं। तो मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होता है उसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है, और इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल बिंदु से किस बिंदु से बाबू, मूल बिंदु से, आप ध्यान देंगे हम यहां लिख देते हैं मूल बिंदु से तीन चार के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करें, के बीच की दूरी क्या करें ज्ञात करें। हो सकता है ये क्वेश्चन दिया मूल बिंदु से, तो आप क्या करिएगा, तो चूंकि हम लोग सॉल्यूशन में इसको क्या करेंगे, चूंकि लिख देंगे मूल बिंदु से दूरी से, मूल बिंदु से दूरी से लिख देंगे हम लोग, क्योंकि इसका पॉइंट जो है ना बाबू सिर्फ एक है, कोई भी पॉइंट क्या है थ्री और कितना फोर है, यानी कि ये एक्स और ये क्या वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हम यहां लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी सूत्र, ठीक है। क्या होता है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, अब देखिए ये एक्स है तो एक्स की जगह क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की जगह तीन किसका स्क्वायर तीन का स्क्वायर, वाई की जगह क्या बाबू फोर तो फोर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तीन का स्क्वायर कितना नौ होगा, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह और नौ कितना होगा बाबू पच्चीस, पच्चीस का वर्गमूल कितना फाइव, तो फाइव यूनिट जो है मूल बिंदु से उसका दूरी हो जाए, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन ही कहता है कि छह और आठ दिया गया है मूल बिंदु से इसकी दूरी निकाले, मूल बिंदु से निकालो तो छह का स्क्वायर छत्तीस, आठ का स्क्वायर चौसठ, छत्तीस और चौसठ सौ और सौ का वर्गमूल दस, समझ में आ रहा है। कितना आंसर हो जाएगा बाबू टेन यूनिट, किससे मूल बिंदु से, कोई दिक्कत समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए मूल बिंदु से अगर कहा जाए कि पांच बारह, मूल बिंदु से पांच और बारह का दूरी सूत्र क्या, मूल बिंदु से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पांच का स्क्वायर पच्चीस, बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस, एक सौ चौवालीस का पच्चीस एक सौ उनहत्तर, और एक सौ उनहत्तर का वर्गमूल कितना बाबू तेरह, तेरह यूनिट,
समझ में आ रहा है? ये मूल बिंदु से क्या हुआ? दूरी सूत्र हुआ। समझ में आ रहा है इतना? तो ये याद रखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो है क्या होता है, रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाबू वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा? इस प्रकार से हम मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए कि कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करें। तो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग उस डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसे हम लोग जानते भी है कि दूरी सूत्र जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दूरी सूत्र जो होता है वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप अगले टॉपिक या जो भी पढ़ने के लिए आप पहले इस पर कमांड होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन जो है इस पर हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, हमारे पास टू पॉइंट है, एक ए और एक पॉइंट क्या बाबू बी। ये ध्यान रखना है कि दो बिंदु है, एक ए और कौन सा बी, और मान लेते हैं कि माइनस थ्री और बी क्या बाबू फाइव। ये ए पॉइंट का दो बिंदु है, ठीक है, दिया गया। बी है, जैसे मान लेते हैं कि माइनस टू और थ्री, ठीक है, समझ में आ रहा? और दो बिंदु दिया गया है और दोनों बिंदुओं की कोऑर्डिनेट है, दोनों बिंदु एक डी का कोऑर्डिनेट है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वन वाई वन, ये आप जानते हैं। इसको क्या मानते हैं बाबू, एक्स टू, और क्या मानते हैं वाई टू, ठीक, आप समझ रहे हैं? अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र के माध्यम से ही आपको पता है। तो दूरी सूत्र किसके बीच की दूरी बाबू, ए बी का, क्या लिख देंगे ए बी। आप फॉर्मूला जो है जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिखे, रूट अंदर लिखेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। पहले जो भी बिंदु दिया होता है उसके नीचे एक्स वन वाई वन लिख लेंगे ताकि आपको वैल्यू रखने में दिक्कत न हो, ठीक है। अब आप देखिए, एक्स वन है, एक्स वन की जगह क्या करूंगा माइनस थ्री, एक्स वन की जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री, माइनस का माइनस, एक्स वन का वैल्यू रख लिया गया, ये माइनस है माइनस, ये एक्स टू है, एक्स टू की जगह क्या है माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ रखेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ आएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये वाई वन, वाई वन की जगह क्या है बाबू फाइव लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, वाई टू है तो वाई टू की जगह थ्री है, थ्री लिखेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? अब आप क्या करेंगे, ये रूट अंदर रूट अंदर ये दोनों को क्या करेंगे हटाएंगे, तो क्या होगा माइनस वन का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा? क्योंकि तीन में से कटेगा, तीन में से दो जाएगा, ये सब चीजें आप जानते हैं, प्लस ये हटाएंगे तो कितना होगा बाबू दो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर जाएगा। एक का स्क्वायर क्या होता है वन का स्क्वायर, क्या होगा बाबू वन होगा, दो का स्क्वायर क्या होगा चार होगा, समझ में आ रहा? रूट अंदर कितना हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ेंगे तो फाइव, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंदर फाइव यूनिट आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, देखिए क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर एग्जांपल, मान लेते हैं कोई बिंदु है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पी बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया है माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है, फिर क्यू को, क्यू जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है माइनस टू फोर, ठीक है। बिंदु जब लिख देंगे तो हम यहां लिख देंगे एक्स वन वाई वन, ठीक है, फिर यहां क्या लिख देंगे एक्स टू वाई टू, लिख सकते हैं, तो बिंदु है पहले तो हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे दूरी सूत्र। आप जानते हैं दूरी सूत्र किसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो पी क्यू, तो पी क्यू बराबर वैल्यू लिखिए, सूत्र लिखेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम याद रखना है, क्योंकि अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, ठीक है। रूट अंडर का रूट अंडर लिखेंगे, एक्स वन अंडर बाबू
एक्स वन है तो एक्स वन की जगह माइनस थ्री, क्या लिखते हैं माइनस थ्री, फिर यहाँ तो माइनस है तो माइनस, एक्स टू की जगह क्या है माइनस टू, यहाँ आएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फुल स्क्वायर, प्लस ये वाई वन की जगह क्या है बाबू माइनस टू, माइनस हो जाएगा, फिर वाई टू की जगह क्या है फोर का होल स्क्वायर, देखिए ये घटेगा तो माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों जुटेगा लेकिन हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा, क्योंकि चार दो छ जुट जाएगा छ का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर कितना वन होगा, और छ का स्क्वायर कितना छत्तीस, क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में आता है स्क्वायर, दोनों को आप छोड़ दीजिए रूट अंडर कितना बाबू 37 यूनिट, यदि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको दे देते हैं और उसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे हमको सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आप लिख लेंगे और आप उसको सॉल्व करके भेजेंगे, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो इससे पहले आपको जो भी चीज बताया गया है उस चीज को आप अपने नंबर से कोई भी वैल्यू आप लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दूरी याद करें, क्या याद करना बाबू दूरी याद करना, यहां लिख देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करेंगे माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है, एंड आप अपने से कोई भी वैल्यू बनाएंगे, बना के आप जो है सेंड जरूर करेंगे, समझ में आ रहा है। 03 वैल्यू लिख लेंगे और इसको सॉल्व करके आप सेंड जरूर करेंगे, ठीक है। ये चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन बना के आप उनको सेंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है हम लोग उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जो लोग भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का पहला में तीन क्वेश्चन दिया है, जो लोग नहीं बनाए हैं उसको जरूर बनाएंगे, ठीक है।